जो आवाज आ रही मेरी? यस सर। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग जो है लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ सॉल्व एग्जांपल किए थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। तो आज की क्लास में एक दो और एग्जांपल हम लोग करेंगे एंड देन फ्रस्टम ऑफ कौन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है बेटा। ये एक्चुअली लास्ट क्लास में क्या था ना, जो एक शेप से दूसरे शेप में हो जाते हैं और फिर उसमें जैसे कोई भी एक सॉलिड है, क्यूब है मान के चलिए, वो स्फेयर में कन्वर्ट हो गया, फिर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना कि उसका क्या हाइट होगा, क्या रेडियस होगा, तो इस तरह के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग फ्रस्टम ऑफ कोन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ अ मेटालिक क्यूबॉइड, द डायमेंशन ऑफ मेटालिक क्यूबॉइड आर 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर इंटू 64 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इंटू अ क्यूब, फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब। जल्दी से बताइए इसका आंसर, बहुत ही आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी से दो मिनट में आंसर दीजिए, फिर हम इसको करके बताते हैं। अरे वो राहुल के हाथ ना मेरा वो भिजवा दीजिए, आईपैड जरा ऊपर प्लीज, राहुल से बोल दीजिए दे जाएगा मुझे ऊपर, भिजवा रहे हाँ तुरंत भिजवा दीजिए सर। हाँ, तो दो बच्चों का आंसर आया है, हाँ दो, हाँ 384, हाँ ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो देखिए बेटा बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है कि जो द डायमेंशन ऑफ अ मेटेलिक क्यूबॉइड, उसका डायमेंशन दिया इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ क्यूब। अगर हम क्यूबॉइड को क्यूब में बना रहे हैं तो उससे क्या होगा बेटा, दोनों का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, डायमेंशन भले वो उसके बदल जाए लेकिन जो उसका वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना दोनों का बेटा। बोलिए बेटा, ये शिवांश दीप मौर्य आप ही क्लास में है? ओके, SIP में है क्या ये? ओके ठीक है, तो बेटा देखिए बेसिकली दोनों के जो वॉल्यूम होंगे वो सेम होंगे, तो वॉल्यूम राहुल जी भैया ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्लियर। तो यहां से वॉल्यूम कितना है बेटा, 100 इंटू 80 इंटू 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, बोलिए ए की वैल्यू आप लोगों ने कितनी फाइंड करी है? 80, हाँ ए की वैल्यू आ रही है 80 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू जब हमारे पास 80 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a² यही तो होता है ना सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो यहां से क्या आ जाएगा 6 × 80² तो यहां से कितना आंसर आ रहा था बेटा आपका 3 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्रिश गुप्ता भी आपके क्लास में क्या? ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बेटा बोलिए सर, प्लीज लेट अर्सलान इन। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्फेरिकल सॉलिड बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड हुज एज मेजर 44 सेंटीमीटर ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए,
कह रहा है कि हाउ मैनी स्फेरिकल सॉलिड बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ अ लेड हुज एज मीजर 44 सेंटीमीटर दे रहा है. किसका दे रहा है बेटा? क्यूब का, है ना. और जो स्फेरिकल शेप है उसका कितना दे रखा है डायमीटर बेटा? 4 सेंटीमीटर. तो बताइए कैसे करेंगे, कौन बताएगा? सर यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम निकालने और क्यूब की वॉल्यूम को 4/3 इनटू पाई आर क्यूब इनटू एन के इक्वल कर देंगे. हाँ और यहाँ से ठीक है, चलिए करके बताइए. वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे 44 इंटू 44 सेंटीमीटर क्यूब. ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आ रहा है. अब वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बुलेट 254 आ रहा है. ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट, स्फेरिकल बुलेट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई इंटू रेडियस कितना है बेटा? डायमीटर दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 ये हो जाएगा. ठीक, अब बेसिकली देखिए जो n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू 2.41 व्हाट इज 2.54 ना. हाँ ठीक है, n की वैल्यू 2541 आएगा. बेसिकली दोनों के वॉल्यूम को हमको डिवाइड कर देना है. दोनों को वॉल्यूम को आप डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा. ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? मेरे से नहीं हुआ. आपसे नहीं हुआ? नहीं बेटा, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझ में आया कि नहीं? तो मैंने कर लिए, लेकिन मेरा नहीं आया. तो बेटा कैलकुलेशन एरर होगा आपका, कैलकुलेशन सही करिए. कैलकुलेशन सही करिए फिर मैं बता रहा हूं. आवाज मेरी क्लियर है सबको? यस सर. हाँ तो क्या नहीं क्लियर है बताइए. यस सर, आ जाएगा सर, आ जाएगा. बेटा कुछ नहीं करना है, बस खाली दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करना है. दोनों के वॉल्यूम को आप डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा. ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े. हाँ तो अगला क्वेश्चन है. हाँ तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अ हॉलो स्फेयर ऑफ अ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर टू फॉर्म इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन ऑफ बेस ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ क्या निकालना है? कोन की हाइट और स्लैंट हाइट निकालनी है. ठीक है, तो बेटा देखिए अगर हॉलो स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होगा बोलिए? 4/3 πr³ − r³ ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर दैट इज 4/3 × π × r कितना है बेटा? 8³ − 4³. पाई के टर्म में बताइए कितना आ रहा है? पाई डायमीटर. अच्छा हाँ, ये तो डायमीटर है. ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा बोलिए? 4/2 रहेगा. 4³ − 2³, तो बताइए कितना आ रहा है? पाई के टर्म में आंसर बताइए कितना आ रहा है? सिर्फ वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर कितना आ रहा है बेटा बोलिए? अरे कैलकुलेट करो यार, 4/3 × π × 4 का क्यूब क्या कितना आया? 4 × 4 = 16, 64 − 8 तो यहां से कितना आ जाएगा? 4/3 × कितना आएगा ये? 56. हाँ 56
इंटू पाई। अभी इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। हाँ, इसका क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन जब आप निकालोगे तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसका डायमीटर कितना दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहां पे क्या होगा बेटा 4, हाँ स्क्वायर, और h की वैल्यू हम एज इट इज यहां पे पुट करेंगे क्योंकि हमको h फाइंड करना है, क्लियर। अच्छा ये सब क्वेश्चंस में देखिए कभी भी पाई की वैल्यू मत पुट करिए, है ना, क्योंकि जब हम इक्वेट करेंगे, जब पाई के, जब आप दोनों के वॉल्यूम इक्वेट करेंगे तो पाई क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां पे हमारे पास एक और एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है बेटा, कि जब हम ये जो 1/3 देख रहे हो और यहां पे 4/3 देख रहे हो तो जो 3/3 है वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अच्छा दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि होलो स्फीयर से ही हम कोन बना रहे हैं, अगर आप होलो स्फीयर से कोन बना रहे हो तो ऑब्वियस है दोनों के, अरे बेटा आप चीख क्यों रहे हो, ठीक है आपका आंसर सही है, थोड़ा सा आप लो वॉल्यूम में बोलिए, आप वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं क्लास में। हाँ अभी देख के बताते हैं बेटा, करके बताते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये आ गया ना, तो इससे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 इंटू पाई इंटू 4 इंटू एच, ये किसके इक्वल होगा, 4/3 इंटू पाई, उसके वॉल्यूम ऑफ कोन 4 स्क्वायर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन बेटा स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, अच्छा हाँ 4 का स्क्वायर कर दीजिए, एक सेकेंड बेटा मुझे वॉल्यूम थोड़ा कम करने दीजिए, आई थिंक वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है, हाँ अभी रुक, अभी उसको भी कम करवा देते बेटा, कैमरे से आई थिंक कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो रहा है सिस्टम का बेटा, आई थिंक सिस्टम का ना वो आवाज़ बहुत तेज़ हो गई है, उसको कम कर दे क्योंकि आप लोग कुछ भी बोल रहे हो तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। हाँ अब मेरी आवाज़ आ रही बच्चों आपको, हाँ ठीक है, अभी एक मिनट रुकिए, एक मिनट मैं ये भी सही कराता हूँ, ब्राइटनेस सही कराता हूँ, एक मिनट रुकिए। अरे यार कैमरे की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है बच्चे कह रहे हैं, किससे कहाँ पे लगी है, नीचे देखो कैमरे के, कैमरे के नीचे आगे साइड में, हाँ लगी है तो उसको कम ज्यादा करो, नीचे गोल गोल घुमाओ, ठीक है, हाँ देख रहे हैं, एक मिनट कॉल पर रहो बच्चों, वो अब ब्राइटनेस थोड़ी सही हुई, ठीक है बेटा इसी से करते हैं, हाँ बेटा थोड़ा और कम कर दे, अब बताओ, अब बढ़ रहा है, बढ़ गया, एक सेकेंड बताना, अब ठीक है, तो कुछ ज़्यादा कम नहीं हो गया, ठीक है चलो ओके, ठीक है बेटा ठीक है। मुझे थोड़ा सा अब डर लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोग को ठीक लग रहा है तो इसी से पढ़ाते हैं। तो बेटा देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या, वॉल्यूम ऑफ जो कोन है वो किसके इक्वल होगा, हॉलो स्फेयर के इक्वल होगा, तो 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 और ये 56 हो जाएगा।
तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, 4 स्क्वायर इज 4 एच इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 56, एक स्क्वायर से 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो h की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी, 56 अपॉन 4, कितना आ रही बेटा h की वैल्यू बोलिए, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। l की वैल्यू हमने क्या निकाला, l का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, l इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करिए और l की वैल्यू भी फाइंड करिए, l की वैल्यू कितनी आ रही बोलिए, कितनी आ रही है, रूट 212, ये हाँ तो ठीक है, 2√53 सही है, ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर, ये सही है 2√53, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्वेश्चन में, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, द हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 कंटेन लिक्विड, दिस लिक्विड इज फिल्ड इनटू अ 72 सिलिंड्रिकल बॉटल्स ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ऑफ ईच बॉटल इफ 10% ऑफ लिक्विड इज वेस्टेड इन दिस ट्रांसफर। बेटा बेसिकली इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहली लाइन क्या है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, हेमिस्फेरिकल बोल में से हम क्या कर रहे हैं, जितना पानी भरा है उसको एक बॉटल में भेज रहे हैं, मतलब एक बॉटल भेज रहे हैं जो कि 72 बॉटल्स हैं, है ना, 72 बॉटल्स में वो पूरे पानी को हम धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है कि जब हम पानी को ट्रांसफ़र करते हैं तो 10% पानी हमारा क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। तो बस हमको ये निकालना है क्वेश्चन में, फाइंड क्या कर रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ ईच बॉटल, हर मतलब जो बॉटल है उसकी बेसिकली हमको हाइट निकालनी है। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, 72 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉटल, लेकिन इसमें 10% घटाना है, क्या करना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल में से क्या घटाना है, 10% ऑफ इसका जो वॉल्यूम है ये घटाना है, क्लियर, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, yes। हाँ तो अब देखिए सबसे, नहीं नहीं बेटा आपकी आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल क्या है, 72 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब इसमें से हमको 10% घटाना है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर बेटा क्या होता है बोलिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई की वैल्यू हम एज इट इज रखते हैं, रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, 18 क्यूब, ठीक है ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, पाई को बेटा नहीं वैल्यू पुट कर रही क्योंकि पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है तो ये हो गया, तो अब इसमें से हमको 10% निकालना है, बात समझ आ रही है, तो 10% हाँ तो चलिए ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, एटीन का क्यूब क्या कितना है बेटा, 3888 पाई, हाँ 388 पाई, बिल्कुल सही है 3888 पाई, ये आएगा। तो बेटा अगर 10% पानी जो है वेस्ट हो रहा है तो 90% तो बच रहा है ना, तो बेसिकली हमको क्या करना है, इसका 90% ले लो, इसका क्या ले लो, 90% ले लो, तो जब आप 90% इसका लोगे तो 90/100 इंटू 3888 पाई होगा कि नहीं होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ 72 बॉटल्स होगा कि नहीं होगा बेटा,
बोलिए। तो 10% वेस्ट हुआ तभी तो हम इसका 90% ले रहे हैं, 100% कहां ले रहे बेटा उसको हम। हाँ तो अब यहां पे देखिए, जब अब वॉल्यूम ऑफ ईच बॉटल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ईच बॉटल, एक बॉटल का वॉल्यूम क्या होगा, सिलिंड्रिकल है तो क्या हो जाएगा पाई इंटू रेडियस कितना, डायमीटर कितना दे रखा है 6, तो यहां से हो जाएगा 3 square into h, ये हो जाएगा। अगर 72 बॉटल्स का निकालोगे, इधर भी 72 मल्टीप्लाई करो, इधर भी 72 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, बात समझ आ रही है सबको कि नहीं आ रही है। अब हमको करना क्या है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका, इसको आप इसके इक्वल रख दो, ठीक है। तो यहां से देखिए पाई इंटू 3 square into h into 72 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 90/100 × 3888 pi, और ये इससे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए आंसर कितना आ रहा है इसका, अच्छा देख लेते हैं, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/100 × 388 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 square into 72, बस इसको सॉल्व करना है आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन रहता है इसका, कितना 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है यही आंसर आएगा, 5.4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सबका आ गया, हाँ सबका आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा बेटा। ये जो अमन SIP है ना, अमन सिंह SIP, तो ये किसकी क्लास में आया था ये पहले, ये सेम नाम से आया था ये, ठीक है ठीक है। तो देखिए कह रहा, वाटर फ्लोज थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक पाइप से पानी बह रहा है, पाइप है, पाइप से पानी बह रहा है कितनी स्पीड से, 0.7 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो एक सेकेंड है, एक सेकेंड में उस वाटर की जो लेंथ होगी कितनी होगी, 0.7 मीटर, ठीक है ये चीज समझते रहिए यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है एक सिलिंड्रिकल टैंक में जा रहा है पानी, फिर कह रहा है द रेडियस ऑफ हूज बेस इज 40 सेंटीमीटर, तो जो जिस सिलिंड्रिकल टैंक में पानी जा रहा है उसका जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है बाई हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज द टैंक इन हाफ एन आवर। कह रहा बेसिकली इसमें बोल रहा है कि आधे घंटे में कितना पानी भरेगा, आधे घंटे में जो सिलेंडर की हाइट होगी हमसे वो पूछा है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा पहले समझिए ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा क्या है ना, तो बताइए कोई बताएगा या मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं। देखिए एक सेकंड का आपको दे रखा है, ठीक है एक सेकंड का दे रखा है, तो ऑब्वियस है आप आधे घंटे में निकाल सकते हो कितना पानी होगा, तो जो आधे घंटे में जितना वॉल्यूम होगा है ना, आधे घंटे में जितना वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, जो बेटा अगर आधे घंटे में जितना पानी जो आ रहा है टैंक में, तो जितना पानी आधे घंटे में आपका टैंक में स्टोर होगा, तो जो वो वॉल्यूम कंटेन कर रहा होगा वो किसके इक्वल होगा, जो आधे घंटे में पानी पाइप से निकला है उसके इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अभी मैं इसको आपको बताता हूं, देखिए लेंथ ऑफ वॉटर इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी है 0.7 मीटर, दैट इज 70 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सेकेंड में कितना पानी बह रहा है बेटा, एक सेकेंड में कितना बह रहा है 70 सेंटीमीटर, तो मतलब ये क्या है, ये मतलब इतनी लेंथ है पानी की एक सेकेंड में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन 1 सेकेंड,
अगर आप एक सेकेंड में निकालोगे तो बेटा ये जो 70 सेंटीमीटर निकाला है ये एज अ हाइट एक्ट वर्क करेगा, और जो आपका रेडियस कितना डायमीटर 2 दे रखा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू 70। ये स्टेप किसको समझ में नहीं आया, जिसको नहीं आया पूछिए, बोलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, तो अब लेकिन ये एक सेकेंड में है, अब हमने यहां पे क्या आ गया हमारा 70 पाई हमने लिख दिया, 70 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स, अगर हम 30 मिनट्स की बात करें तो बेटा ये एक सेकेंड है ना, बोलिए, एक सेकेंड है, तो इसको भी अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, 30 मिनट्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब है 30 इंटू 60 इंटू 70 पाई। ये क्यों किया, क्योंकि देखिए ये मिनट में दिया है, इसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ये यहां पे हमने इसलिए लिया है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 30 इंटू 60 इंटू 70 पाई। इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलिए। तो बेटा ये देखिए कि जो आधे घंटे में जितना पानी पाइप से निकला है उतना ही तो टैंक में भरा होगा। अरे भैया, आधे घंटे में जितना पाइप हमारा पानी पाइप से निकलेगा उतना ही पानी तो हमारा उसमें भरेगा ना टैंक में, बोलिए। तो जो बेटा ये वाला वॉल्यूम होगा, जो ये वॉल्यूम आपका होगा, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक इन 30 मिनट्स, है ना, वाटर स्टोर्ड इन टैंक इन 30 मिनट्स, उस वॉल्यूम के इक्वल होगा। यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बोलिए, है ना, सभी बच्चों को आया, सभी बच्चे बोलिए, हाँ। तो अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स इतना है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है वो कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए, बताइए, पाई इंटू रेडियस कितना है, 40 दे रखा है ना, तो 40 स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, हाइट हमको निकालनी, तो इसके इक्वल रख देते हैं, तो जब आप इसके इक्वल रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 30 इंटू 60 इंटू 70 पाई इज इक्वल टू पाई इंटू 40 स्क्वायर इंटू एच, ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब एच की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, ये 1600 हो जाएगा, हाँ, तो कितना आ रहा है एच बताइए, सिंप्लीफाई करके बताइए, 79.25, बस 78.75 इज अ करेक्ट आंसर, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 78.75 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो बेटा देखिए, बेसिकली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से देखिए, एक सेकेंड, दो सेकेंड या स्पीड ऐसी इस तरह की दे रखी होती है, तो वहां से पहले हमको क्या करना होता है कि जो पाइप से पानी निकल रहा है बेटा, वो भी तो वॉल्यूम में निकल रहा है ना, पानी जो पाइप से निकल रहा है, पाइप में अगर पानी जा रहा है तो वो भी तो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो जो पाइप से हमारा पानी जा रहा है उसका जो वॉल्यूम होता है वो उतनी देर में जितना टैंक में पानी गिर रहा है, उस आधे घंटे में जितना स्टोर हुआ पानी और आधे घंटे में जितना निकला पानी, तो बात तो एक ही है ना भाई, इधर से पानी जितना निकलेगा उधर स्टोर होगा, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो वही चीज हमने यहां पे करी है, ठीक है। कौन सा बेटा, बेटा देखिए बेसिकली क्या होता है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि जो पाइप से पानी निकल रहा है वो 0.7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकल रहा है, एक सेकंड में 70 सेंटीमीटर पानी निकल रहा है पाइप से, ठीक है, तो जब एक सेकंड में 70 सेंटीमीटर निकल रहा है पानी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में जो पानी की लेंथ होगी वो 70 मीटर होगी कि नहीं होगी, 70 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी बेटा, तो जब एक सेकेंड में 70 सेंटीमीटर पानी की लेंथ है, इसका मतलब है वो हाइट है,
ठीक है भाई, वो तो ऐसे रखा है ना पाइप को मैंने, आप चाहे पाइप को रखो चाहे आप इस तरह करो, वो तो बेसिकली एज अ हाइट एक्ट करेगा ना, वो तो वो हाइट हो गई। तो अब एक सेकेंड का जब हमको हाइट निकल के आ रहा है और पाइप का रेडियस गिवन है, तो एक सेकेंड का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो जब एक सेकेंड का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं तो 30 मिनट्स का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना। तो 30 सेकेंड्स में जितना पानी पाइप से निकलेगा और वो टैंक में जाएगा, तो जो पानी निकल रहा है और टैंक में जा रहा है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा कि नहीं होगा 30 मिनट्स में। तो बस यही चीज मैंने यहां पे आपको बताई। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, क्लियर हो जाएगा बेटा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है। हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वॉटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। वाटर की स्पीड दे रखी है, एक घंटे में 15 किलोमीटर पानी चल रहा है। अब जिस पाइप से निकल रहा है उसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, जो पाइप का जो फेस है जहां से पानी निकल रहा है वो 14 सेंटीमीटर है, और किस में जा रहा है बेटा, वो रेक्टेंगुलर टैंक में जा रहा है, और वो रेक्टेंगुलर टैंक जो है उसके डायमेंशन क्या है, 50 मीटर लॉन्ग है, 44 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच द लेवल ऑफ द वॉटर इन द टैंक राइज बाई 21 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वो टाइम बताओ, उस टाइम में जो पानी का लेवल है वो 21 सेंटीमीटर आ जाए। इसका मतलब ये क्या है, हाइट तो है ना 21 सेंटीमीटर, है ना। हाँ, तो अब यहां से देखिए इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, एक मिनट बेटा पानी पी लेता हूं। ये अवरेंद्र प्रताप सिंह ना बेटा, आपके क्लासमेट है ये? ओके। नीलेश भी है ना, नीलेश? यस सर। तो देखिए, तो बेसिकली ये तो हाइट है ना, कि आधे घंटे में कितना टाइम, अच्छा हाँ कितने टाइम पूछ रहा है, कितने टाइम में पानी का जो लेवल होगा वो 21 सेंटीमीटर होगा, है ना, ये बोल रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए, तो बताइए बेटा कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं भाई, 21 सेंटीमीटर जो हमारा पानी है, वॉल्यूम ऑफ टैंक आप निकालो, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आएगा निकालो बेटा, कितना आएगा, 50 इंटू 44 इंटू 21 अपॉन 100, यही तो होगा, ये डिजायर्ड वॉल्यूम है, डिजायर्ड वॉल्यूम ऑफ टैंक, है ना। इतना वॉल्यूम होगा, जब हम टाइम ढूंढ लेंगे तब इतना वॉल्यूम होगा। हाँ, आप समझ में आ गया होगा पार्थ बेटा आपको। तो बेसिकली हमको, हाँ कितना आ रहा बेटा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, हाँ तो वॉल्यूम ऑफ टैंक आपका कितना आ गया, 441। सब लोग कैलकुलेट करिए बेटा, हाँ 462, वही तो मैं भी कह रहा हूं ना, 462 कैलकुलेट करिए, 462 आएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 ones are 5 twos are 2 ones are 22 जा, अब मल्टीप्लाई करो, 462 आ रहा है बेटा, यही आ रहा है, हाँ 462 आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, लेंथ ऑफ वॉटर फ्लोइंग इन पाइप इन 1 आवर, एक घंटे में बेटा पानी कितना होगा, पानी का 15 किलोमीटर बता रहा है ना, तो 15,000 कर लेते इसको, यही तो होगा ना एक घंटे में, बोलिए है ना, एक घंटे में ये होगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लोइंग इन पाइप इन 1 आवर,
एक घंटे में वॉल्यूम बेटा कितना हो जाएगा, पाइप का रेडियस कितना गिवन है बेटा बताइए, 7, तो पाई इंटू आर कितना है 7, 7 इंटू 7 इंटू 15,000, यही तो होगा। बोलिए। अब बेटा इसमें हमको पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि एक क्यूब रेक्टेंगुलर है और एक सिलिंड्रिकल है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा जो रिक्वायर्ड टाइम होगा आपका, जो रिक्वायर्ड टाइम है वो क्या होगा, डिजायर्ड वॉल्यूम मतलब जो 21 सेंटीमीटर राइज करने तक का जितना भी वॉल्यूम है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वन आवर, जो पाइप में से एक घंटे में पानी जो है ना जितना भी बह रहा है, ये होगा कि नहीं होगा बेटा बोलिए। तो बस अब आपको करना कुछ नहीं है, जो जितना आपने ये वॉल्यूम निकाला है इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो ये बचेगा 22 इंटू 7 इंटू 15,000, बेटा कितना आ रहा बताइए, सॉल्व करिए कितना आ रहा है, लेकिन एक चीज और देख लेना, 7 अपॉन ये 100 होगा ना, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो गया, 30 से 30 कट गए, अब बताओ कितना आ रहा है, 231 आ रहा है, हाँ 231 आ गया, 231 आपका क्यों ये आ गया। अब कुछ नहीं करिए, दोनों को डिवाइड कर दिए, 462 अपॉन 231 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हाँ तो 2 घंटा लगेगा, 2 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा, कितना 2 घंटे में कितना पानी भर जाएगा, 21 सेंटीमीटर तक की हाइट बढ़ जाएगी। तो बेटा देखिए इसमें भी यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो पानी पाइप से निकल रहा है एक उसकी स्पीड दे रखी थी, और जो सिलेंडर जो आपका क्यूबॉइडल या रेक्टेंगुलर टैंक में जा रहा था उसका डायमेंशन दे रखा था, बस ये पूछा था कि 21 सेंटीमीटर में जो 21 सेंटीमीटर पानी जब बढ़ेगा तो वो कितना टाइम लेगा। तो बस बेसिकली यही था इसमें कि जो डिजायर्ड वॉल्यूम है 21 सेंटीमीटर आने तक का जितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन पाइप इन वन आवर, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डिजायर्ड टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चों को, इसमें समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग फ्रस्टम ऑफ कोन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है। हाँ बेटा फिफ्टीन थाउजेंड क्या था बेटा ये 14 सेंटीमीटर है ना, इसको डिवाइड किया 100 से, इसीलिए तो क्या था कि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। प्रणव समझ में आया बेटा, कहाँ पे बेटा सेंटीमीटर लिखा मैंने, अच्छा वो मीटर होगा बेटा, मीटर होगा इसको मीटर कर लेना, मीटर होगा ये मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि देखो तभी भी 21 में भी तो 100 से डिवाइड कर रहे ना इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ बेटा 2-3 क्वेश्चन रह गए थे लेकिन हम लोग उसको जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आज हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन है, बेसिकली आज टॉपिक यही स्टार्ट करना था लेकिन क्वेश्चन में ही टाइम लग गया। तो बेटा देखिए व्हाट इज फ्रस्टम ऑफ कोन, अब हम इसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालेंगे, तो हम इसमें आपको धीरे धीरे थोड़ा सा बता देते हैं व्हाट इज फ्रस्टम, ठीक है। तो आपको कोन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, कोन है बेसिकली, कोन है ये L1 इसकी स्लैंट हाइट है, R इज द रेडियस एंड H इज द हाइट, क्लियर। तो बेटा देखिए फ्रस्टम क्या होता है, आपने अपने घर में बाल्टी देखी है, बकेट देखी है आपने, आपने अपने घर में वाटर ग्लास देखा है पानी पीने वाला जो ग्लास स्टील का आता है। तो बेटा वो सब क्या है, जो बकेट है जो ग्लास है या और भी जो कैप्स आती हैं जो फंकी कैप्स आती हैं बेसिकली वो सब क्या होती हैं, फ्रस्टम ही शेप की तो होती हैं। तो फ्रस्टम आता कहाँ से है, जब हम किसी भी कोन को
जब कोई भी जो कोन हमारे पास है, जैसे जो कोन आपको दिख रहा है, इसके जब हम इसको बीच से देखिए, अगर हम इसको यहाँ से किसी प्लेन पैरेलल से हम काटते हैं, जो कि पैरेलल टू जो सर्कुलर बेस होता है उसके पैरेलल होता है, जब हम उससे काटते हैं तो जो रिमेनिंग एरिया, जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है नीचे वाला, उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, है ना। किसी भी कोन को जब हम उसके बेस से पैरेलल काटते हैं तो जो नीचे वाला पोर्शन बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं। तो बेटा देखिए, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, कट किया ना इसको, जब आपने कोन को कट कर दिया तो जो ये बचेगी, दैट इज ये जो जो इसकी स्लैंट हाइट है वो क्या है बेटा, एल, और जो रिमेनिंग ऊपर वाली है वो एल वन माइनस एल होगी, क्योंकि टोटल कितनी थी बेटा, अगर आप टोटल देखोगे, टोटल कितनी थी बेटा यहां से यहां तक स्लैंट हाइट, एल वन तो थी, बोलिए, और ये L है तो ऊपर वाली क्या होगी, L1 माइनस L होगी, नीचे वाली जो हाइट थी वो जो पूरी टोटल हाइट थी वो H थी, और ये वाली हाइट H है तो ऊपर वाली हाइट कितनी हो जाएगी, H माइनस H। और ये देखिए जो जो बेस आपका है, जो फ्रस्टम का बेस है उसका रेडियस बड़ा है तो उसको हमने कैपिटल R से लिया है, और जो टॉप है वो क्या है, छोटा है, उसको स्मॉल R से लिया है, और जो टॉप है वही हमारा जो ऊपर जो कोन बच रहा है वो उसके इक्वल है तो वो भी R रहेगा। तो ये बेटा आपका क्या है, फ्रस्टम है। अब देखिए सबसे पहले बेसिक, अब इसी फ्रस्टम से देखिए ऊपर से एक ट्राइंगल निकल रहा है ना, ये देखिए ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिए बन रहा है, हाँ। तो जब राइट ट्राइंगल ये यहां पे बन रहा है, इसको हमने नाम दे दिया ODQ, ठीक है। एक तो ये बन रहा था, उसके बाद एक आपका जब पूरा कोण था ना, ये देखिए ये जब पूरा कोण था, तो जब पूरा कोण था तो एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा था कि नहीं बन रहा था बेटा, जब हमारे पास पूरा कोण था तो एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा था, उसको हमने क्या मान लिया, OCB। बेटा कुछ इस तरह से था आपके पास, जैसे ये फ्रस्टम है, मैं बना देता हूं फिर से, ये कोण है और ये आपका क्या है बेटा, फ्रस्टम है, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या है बेटा, OCB, और एक आपके पास छोटा ट्राइंगल बन रहा है जो कि ऊपर है, दैट इज OD Q। अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है सबको, दो ट्राइंगल बन रहे हैं और ये दोनों ट्राइंगल क्या है, दोनों आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे हैं भाई, एक एंगल 90 डिग्री है, और वैसे भी सिमिलैरिटी आप पढ़ चुके हो तो आप ऑब्वियस यहां से देखोगे तो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और बाकी एंगल 90 डिग्री है, तो AA सिमिलैरिटी से आप इसको इक्वल कर सकते हो, और ऑब्वियस है एक एंगल तो आपका कॉमन ही है इसमें, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो जब सिमिलर है तो बेटा देखिए, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रस्टम जो कि मैं आपको बता चुका हूं। सेकेंड क्या है, ODQ और OCR, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं बेटा, सिमिलर है कि नहीं है, देख लीजिए ट्राइंगल, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को, बोलिए, अरे बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, नो सर। हाँ, अब देखिए जब दोनों सिमिलर हैं तो क्या हम ये लिख सकते हैं, OD अपॉन OC, DQ अपॉन CB, OQ अपॉन OB, ये हम लिख सकते हैं, और इन सब की हमने वैल्यूज पुट कर दी। देखिए वैल्यूज देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, जब OD अपॉन OC किया तो जो OD है, OD की जो वैल्यू क्या है बेटा, H माइनस H, देखिए H माइनस H, और फिर OC मतलब पूरी हाइट कितनी थी, H, उसके बाद DQ अपॉन CB, DQ क्या है, बेस, DQ अपॉन CB, तो ये ऊपर वाला छोटा वाला जो रेडियस है और जो बड़ा वाला रेडियस है, उसके बाद OQ अपॉन OB, OQ इज L1 माइनस L एंड OB इज L, ठीक है। वैल्यू सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब क्या करेंगे, अब हम पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेट करके सॉरी बेटा, इसको इक्वेट करेंगे, पहले हम इसको लेंगे, तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो वहां से हमारे पास H की वैल्यू आएगी, हम H की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे इक्वेट किया हमने, जब इसको इक्वेट किया, H माइनस H अपॉन H इज इक्वल टू R अपॉन R, तो यहां से हमने क्या किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, RH माइनस R इज इक्वल टू HR, तो R वाले टर्म हमने सारे जब एक तरफ किए तो देखिए यहां से क्या आ गया, H कॉमन, R माइनस R इज इक्वल टू HR, तो यहां से जो H की वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज HR अपॉन R माइनस R, ये हम आगे हमारी यूज होगी, ये आपकी जो है, जो ये वैल्यू मैंने निकाली है ये आपकी आगे यूज होगी, क्लियर।
कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? एच की वैल्यू कैसे आई बेटा, बोलिए, कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ ठीक है, आगे अब देखिए, अगेन वो मैंने ड्रॉ कर लिया है, फिर उसके बाद देखिए, फिर ये तो बेटा जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये रहेगा, वहां से एच की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को इक्वेट करेंगे। जब आप इस वाले पोर्शन को इक्वेट करोगे तो ये आपके पास आएगा, जैसे हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया है उसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, और यहां से इस किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अगर अब इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो वहां से हमारे पास L1 आ जाएगा। हमने क्या निकाला बेटा, सबसे पहले H की वैल्यू निकाली इन फॉर्म ऑफ इन द इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r एंड कैपिटल R, और हमने यहां से L1 की वैल्यू निकाली इन द फॉर्म ऑफ LR, L स्मॉल r एंड कैपिटल R। ठीक है, ये निकाला, ठीक है, क्लियर है सबको, L1 की वैल्यू आ गई यहां से। अब बेटा देखिए, जो ये वॉल्यूम है, अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, जो नीचे वाला पोर्शन है आपके पास, अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो बेटा ये पूरे कोन में से आपको ये वाला कोन लेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? yes. पूरे कोन में से ये वाला लेस करेंगे तो क्या होगा, देखिए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। तो बेटा कुछ इस तरह का हमारे पास रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा, देखिए, 1 बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1 बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच। किसी को कोई डाउट तो नहीं? क्लियर सबको? हाँ, तो अब देखिए, हमारे पास किसकी वैल्यू थी बेटा, कैपिटल एच की वैल्यू थी ना हमारे पास, हमने निकाली थी ना कैपिटल एच की वैल्यू, बस वही कैपिटल एच की वैल्यू हमने इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया। देखिए, जहां पे एच था वहां पे हमने एच आर माइनस ये पुट किया, और ये देखिए ये पुट किया इसको, ठीक है। फिर आगे जब हमने एक स्टेप बढ़ाया, इसको बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आर को अंदर मल्टीप्लाई किया, जब आर को अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, एच आर क्यूब अपॉन आर माइनस आर, और एक आपके पास ये आ गया, ठीक है। सिंपली जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाले एच आर को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो कुछ हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक। तो अब यहां से देखिए क्या आ रहा है भाई, आर माइनस आर क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और यहां से हम क्या हुआ, एच हमने कॉमन लेके बाहर भेज देंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, आर क्यूब माइनस एच क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए भाई। यहां से अगर आप एच कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, यहां से देखिए, अगर आप एच कॉमन लोगे तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब बचेगा, और अपॉन में क्या बचेगा, आर माइनस आर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बोलिए, यही तो बच रहा है। और ये आपको किसके इक्वल रख रहा है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और उसकी आइडेंटिटी हमने यहां पे पुट कर दी। तो जब आप आइडेंटिटी यहां पे उसकी पुट करोगे तो जो ये रेड कलर में है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाई थ्री पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? ये वॉल्यूम आया आपके पास। इसी तरह बेटा हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लार्ज कोन। अगेन पूरे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, छोटे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा, स्मॉलर कोन बचेगा ना, सॉरी फ्रस्टम बचेगा ना। तो देखिए अगेन, जो लार्ज है उसका तो ये होगा और जो स्मॉल बचा है उसका ये होगा, दोनों को माइनस कर दिया। L1 की वैल्यू फाइंड करी थी, वही L1 की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L1 इन अबव इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई वी गेट दिस। जो L1 की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी वो L1 की वैल्यू आप इसमें पुट करिए, जैसे वॉल्यूम को सिंप्लीफाई किया है वैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम है वो ये आ जाएगा, ठीक है। वो बेटा इसको मैंने सिंप्लीफाई इसलिए नहीं किया, इसको वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जैसे वॉल्यूम मैंने किया है ना सेम एज इट इज आपको करना है और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है, क्लियर है सबको। अब इसी तरह अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस और बॉटम, ठीक है, दोनों के एरिया को प्लस करना है तो देखिए क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस। तो फाइनल आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या आ जाएगा, पाई कॉमन आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एल आर प्लस आर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, फ्रस्टम का वॉल्यूम पढ़ा, दैट इज 1 बाई थ्री पाई एच
कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर इंटू आर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया पढ़ा, दैट इज पाई इंटू एल प्लस इंटू एडिशन ऑफ बोथ रेडियस, रेडियस ऑफ टॉप प्लस रेडियस ऑफ बॉटम, ठीक है। इसी तरह कर्व सरफेस एरिया में क्या करना है, टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूला हमारे यहां से निकल के आ गए। किसी बच्चे को किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है डेफिनेटली पूछिए आप लोग। किसी को कोई डाउट है, आपकी आई थिंक नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, जल्दी बताइए किसी को कोई डाउट है तो क्लास को एंड करें। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, चलिए क्लास को एंड करें, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है बच्चों, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू एवरीवन।